फाइनली गाइस, इंडिया में Redmi Note 10S स्मार्टफोन के लिए एक नया अपडेट है, वो रोल आउट होना स्टार्ट हो चुका है। MIUI का ही अपडेट है, लेकिन वीडियो में आगे हम लोग बात करने वाले HyperOS का जो अपडेट है वो आपको Redmi Note 10S स्मार्टफोन के अंदर कब तक देखने को मिलेगा। सो वीडियो को कंप्लीट वॉच करते रहिए। वीडियो आप लोगों को यह पसंद आती है तो आप लोग वीडियो को लाइक कर सकते हो, और चैनल पे आप लोग पहली बार विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लेना, ताकि फ्यूचर में जैसे HyperOS का अपडेट है वो यहाँ पर रोल आउट किया जाता है Xiaomi की तरफ से, तो वीडियो आपको सबसे पहले हमारे चैनल पे देखने को मिल जाएगी। पहले हम लोग बात करते हैं इस अपडेट के अंदर आपको चेंजेस हैं वो यहाँ पर कौन कौन से देखने को मिलते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल MIUI 14 का ये अपडेट है, और आपको अपडेट का वर्जन नंबर मिलता है MIUI 14.0.9.0 TKLINXM। तो IN मतलब कि इंडिया के लिए अपडेट है वो रोल आउट किया गया है, और 176 MB की आपको अपडेट की टोटल साइज है वो देखने को मिलती है। तो ना ही अपडेट की साइज है वो इतनी ज्यादा है, और ना ही अपडेट की साइज है वो आपको यहाँ पर कम देखने को मिलती है। वहीं हम लोग बात करें इस अपडेट के अंदर चेंजेस है वो यहाँ पर कौन कौन से किए गए हैं, तो गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को एक नया सिक्योरिटी पैच लेवल का जो अपडेट है वो यहाँ पर देखने को मिलता है इस अपडेट के अंदर, जो कि काफी अच्छी बात है क्योंकि लेटेस्ट सिक्योरिटी है वो यहाँ पर Xiaomi की तरफ से यहाँ पर प्रोवाइड की गई है। बाकी इस अपडेट के अंदर ऐसा कोई बड़ा नया चेंज है वो आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। जितने भी अब जो बड़े फीचर्स हैं वो आपको सारे ही HyperOS का जो अपडेट है उसी के अंदर देखने को मिलेंगे। तो HyperOS अपडेट के अंदर आपको एक नया कंट्रोल सेंटर मिलेगा, सेटिंग एप्लीकेशन का जो UI है वो आपको चेंज देखने को मिलेगा, और लॉक स्क्रीन के अंदर आपको लॉक स्क्रीन कस्टमाइजेशन है वो देखने को मिलेंगे। तो बात करते हैं ये अपडेट है वो आप लोगों को इंडिया में मिलेगा कब तक। तो गाइस अभी तो MIUI का अपडेट आया है, अभी 2 महीने तक तो कोई भी अपडेट है वो आने के चांसेस हैं वो नहीं है। आने को वैसे आ सकता है अगर Xiaomi की तरफ से टेस्टिंग है वो जल्दी यहाँ पर कंप्लीट करी जाती है, लेकिन ऐसा होगा नहीं क्योंकि Xiaomi की तरफ से हर बार टेस्टिंग है वहां पर लेट ही और देरी तक यहाँ पर चलती रहती है। तो आप लोगों के लिए अपडेट है वो 2 महीने तक तो यहाँ पर नहीं आने वाला है। तो अभी यहाँ पर मार्च का मंथ चल रहा है, तो आप लोगों को मई मंथ का यहाँ पर वेट कर लेना है। बीच में अप्रैल का मंथ है, उसके अंदर तो 100% कोई भी चांस नहीं है कि अपडेट है वो यहाँ पर आ जाएगा। आप लोगों को अब डायरेक्टली यहाँ पर मई मंथ है उसी का वेट कर लेना है, और मई मंथ के अंदर ही आप लोगों को HyperOS का अपडेट मिलेगा। अब बात करें अपडेट की टोटल साइज है वो यहाँ पर कितनी रहने वाली है, तो वो आपको मिलेगी 2 से लेके 3 GB के बीच में, कितनी भी अपडेट की टोटल साइज हो सकती है, और HyperOS 1.0.1.0 एक्सपेक्टेडली यही आप लोगों को अपडेट का वर्जन नंबर है वो देखने को मिलेगा। तो गाइज यही एक न्यूज है वो आपके साथ में शेयर करनी थी। वीडियो आप लोगों को ये अच्छी लगी तो आप लोग वीडियो को लाइक कर सकते हो, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लेना, और आप लोग हमारा सहेज सेन टेलीग्राम चैनल है उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। मैं मिलता हूं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।